हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल इंसेट टू मोबाइल। तो सो गाइस, अब जो गेम आज हम खेलने वाले हैं ना, उसका नाम है गैरी मोड। और गैरी मोड में हम खेलेंगे स्किबिड टॉयलेट। भाई ये बहुत ही प्यारा गेम है। इस गेम में स्किबिड टॉयलेट नाम का एक चैरेक्टर है, हम उसके साथ यहाँ पे फाइट कराने वाले हैं कैमरामैन और बहुत सारे खूबसूरत चैरेक्टर की। तो प्लीज़ गेम पर बने रहिए, और चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। और वीडियो को भाई लाइक कर देना ज़रूर से। तो चलते हैं, पहले देखते हैं कि अपना पहला जो चैरेक्टर है ना, वो कौन सा है। तो यहाँ पे हम स्किबिड टॉयलेट को निकालते हैं, और जो कि बिल्कुल ही नया मॉडल आया भाई, बहुत ही प्यारा। मेरे ख्याल से ये रहा भाई, ये इसका नाम है बुलडोजर अपग्रेडेड ग्रैंड टैंक है भाई। ये टैंक पूरा बुलडोजर टाइप में है, बट ऐसा लग रहा है कि ये सबको अपने ऊपर से निकाल दे भाई, इसके सबके ऊपर से निकल जाएगा। बहुत ही डेंजरस चैरेक्टर दिख रहा है। और इसके अपोजिट में हम खड़ा करने वाले हैं किसी एक, इसके अपोजिट में एक चैरेक्टर लाएंगे हम कैमरामैन को भाई, जो कि काफ़ी डेंजरस है, जिसके हाथ में बड़ी बड़ी सी स्वॉर्ड है, बहुत बड़ी सी। और जिसके राइट लेफ्ट हैंड में है एक बड़ी सी लेज़र गन भाई, और पीछे देखिए इसके रॉकेट लगा हुआ है बड़े बड़े से। इसका नाम भाई कैमरामैन या स्पीकर मैन, मेरे ख्याल से इसका नाम है स्पीकर मैन भाई। इसके सर पे जो ना स्पीकर लगे हुए हैं, बड़े बड़े स्पीकर जो आवाज़ करते हैं। बट यहाँ पे आवाज़ करेंगे या नहीं करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। पहले इनकी हम फाइट कराते हैं, देखते हैं कि कौन विन करता है। तो प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। तो इसकी फ़ाइट शुरू करते हैं यहाँ पर हम भाई, ज़बरदस्त फाइट भाई। यहाँ पर आग का गोला बना दिया है यहाँ पर इसने, बट ये ऊपर से नीचे नहीं आ पा रहा, इसको नीचे लेके चलना पड़ेगा। और ये भाई, ये तो इस बैटल फील्ड में अटक गया, इसको निकालना पड़ेगा यहाँ से। इन दोनों की फ़ाइट ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, बट एक एक चैरेक्टर में भाई यहाँ पे फाइट मज़ा नहीं आ रहा है। हमको लगता है कि और सारे चैरेक्टर को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे में मिल जा रहे हैं भाई। बट यहाँ पर फाइट बहुत ही तगड़ी चल रही है, और भाई यहाँ पर विनर बन गया हमारा स्पीकर मैन। तो अब स्पीकर मैन विनर बन गया भाई। अब हम स्किबिड टॉयलेट को दोबारा से ले कर आएँगे, और एक नहीं भाई, एक से ज़्यादा चैरेक्टर लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम पहले कैमरामैन को ले लेते हैं एक, फिर से वापस से दूसरा कैमरामैन भाई। तो गाइस, जो हमारी दूसरी फाइट होने वाली है उसमें हम लेंगे एक स्पीकर वुमैन भाई, एक टाइटन स्पीकर वुमैन, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चैरेक्टर है, कलरफुल बिल्कुल। इसके एक लेफ्ट हैंड में है एक गन, और ऊपर स्पीकर भाई लगा हुआ है, बड़े बड़े पिंक कलर के, लेडीज़ कलर का पिंक स्पीकर लगा हुआ है। ये टाइटन स्पीकर मैन है भाई। तो इसके साथ हम जो फाइट कराने वाले हैं, वो कराएँगे हम स्किबिड टॉयलेट की, लेकिन वो भी भाई अपग्रेडेड स्किबिड टॉयलेट लेंगे। यहाँ पे अपग्रेड कौन सा है भाई, ये भाई ये रहा रॉकेट लॉन्चर वाला अपग्रेड इसके मैन। इसका नाम है हैवी न्यूक टॉयलेट, मतलब ये न्यूक्लियर बम के साथ यहाँ पे आया हुआ है। बट इसमें देखो एक गुस्से वाला चैरेक्टर लगा हुआ है, इमोजी भाई, इमोजी लगा हुआ है गुस्से वाला, बहुत ज़्यादा गुस्से में। इस भाई सिंगल नहीं कराएंगे, डबल फाइट कराएंगे। यहाँ पे एक और जी मैन को लेते हैं, जो कि काफ़ी भयानक दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा भयानक है। इसके पीछे रॉकेट लगे हुए हैं उड़ने के लिए, शायद ये उड़े कि ना उड़े, बट भाई ये स्पीकर मैन भी है साथ में। ये इसकी भी टॉयलेट इसकी स्पीकर मैन है भाई, और इसके भाई बहुत सारे लेज़र गन्स लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इन दोनों के हम फाइट कराते हैं, देखते हैं कि कौन विन होता है, कौन सी टीम ज़्यादा विन करती है भाई। यहाँ पे स्पीकर टॉयलेट ने टाइटन स्पीकर वुमैन को पीछे ढकेल दिया है भाई, एक वहीं पर रह गया न्यूक्लियर स्किबिड टॉयलेट। बट दो में फ़ाइट हो रही है तगड़ी, और यहाँ पर बहुत कलरफुल फाइट हो रही है भाई, पे बहुत ही गजब की फ़ाइट। देखते हैं भाई कौन सी टीम जीतेगी भाई, आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है यहाँ पे, कैमरा वुमैन और स्पीकर वुमैन जीतेगी टाइटन, या फिर भाई स्किबिड टॉयलेट। ये दूर हो जाते हैं भाई, इनकी जो फाइट होती है ना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, नहीं लड़ पाते, क्योंकि इनकी एक रेंज होती है कैप्चर करने की। भाई स्पीकर वुमैन ने डिस्ट्रॉय कर दिया न्यूक्लियर स्किबिड टॉयलेट को, और फिर से हम इनकी फ़ाइट कराते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। मुझे नहीं लगता भाई कि यहाँ पे स्किबिड टॉयलेट जीतने वाला है, जो कि अपग्रेडेड है, बट मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे जीत पाएगा, क्योंकि स्पीकर वुमैन जो है ना भाई, भाई जीत गया यार स्किबिड टॉयलेट, जो अपग्रेडेड था ना वो जीत गया, बट स्पीकर वुमैन भाई यहाँ पे हार चुकी है। तो इसके बाद हम एक और फाइट कराएँगे, जो कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल नहीं होगी भाई, सिंगल से ज़्यादा हैवी होगी। बट यहाँ पर हम लेंगे स्पीकर स्किबिड टॉयलेट मल्टीवर्स, बोल गए भाई मल्टीवर्स में एक गजब का चैरेक्टर। सॉरी मैंने इसको यहाँ से थिंकिंग को रोका नहीं था, अभी रोक दिया भाई। इसकी जो भाई टीवी लगी हुई है बहुत ही ज़बरदस्त, ये भाई फ्लाई करने वाला है, मेरे ख्याल से ये फ्लाई करने वाला स्किबिड टॉयलेट है। और
भाई ये मल्टीवर्स का चैरेक्टर है भाई, बहुत ही खतरनाक और डेंजरस। हम जो सेकंड चैरेक्टर लेने वाले हैं वो भाई टाइटन इसकी ब्रिटिश जी मैन है भाई। ये भी मल्टीवर्स का एक चैरेक्टर है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सारी गन से लैस होके भाई यहाँ पे आया है। और इसके अपोजिट में भाई यहाँ पे दो ही हुए हैं अभी, हम और सारे चैरेक्टर यहाँ पे लेते हैं छोटे छोटे करके। मेरे ख्याल से हमें लेना चाहिए हाइपनो स्केल्टन इसकी ब्रिटिश टॉयलेट भाई। हाइपनो स्केल्टन बहुत ही खतरनाक दिख रहा है यार, ये बहुत ही डेंजरस दिख रहा है भाई। स्केल्टन इसकी जो खोपड़ी जो है ना, स्केल्टन है उसकी रेल गड्डी पे दिख रही है, बट ये स्पीकर मैन भी लग रहा है। और ये है मल्टीवर्स का एक चैरेक्टर, बहुत ही खूबसूरत। और इसके साथ हम लेंगे कुछ स्पीकर मैन बिग। अभी बिग क्या क्या मतलब है, बट ये मल्टीवर्स का एक बहुत खूबसूरत चैरेक्टर है। हमने यहाँ पे इसके 6 वर्जन लिए हैं, 6 वर्जन नहीं, मैंने इसकी 6 और क्वांटिटी इसकी 6 कर दी हमने, और शायद ये फाइट अच्छी करे। और उसके बाद हम एक और यहाँ पे इसके भी टॉयलेट का चैरेक्टर लेने वाले हैं शायद। कोई आप बताओ कौन सा मैं ले सकता हूँ। मैं जी मैन लूँगा शायद, क्योंकि वो जी मैन भाई यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे इसके भी टॉयलेट टेस्ला साइंटिस्ट चाहिए। बहुत ही प्यारा चैरेक्टर है ये, साइंटिस्ट है भाई ये, तो बहुत सारी साइंटिस्ट वाली चीज़ों से लैस होके आया है। इसकी हेड है, बाकी सारा कुछ रोबोट है यहाँ पे। तो इसके अपोजिट में हम खड़ा करेंगे स्पीकर मैन या कैमरा मैन, कुछ भी जो हमें मिल जाए बेहतर सा भाई। एक शैडो, एक लेज़र शैडो वाला इस भाई, ये नोकिया का मोबाइल सर पे लगा के आया है भाई, जो बहुत ओल्ड मॉडल का मोबाइल था भाई वो सर पे लगाया है। पता नहीं क्या नाम है इसका, मैं देखना पड़ेगा इसका नाम क्या भाई। नोकिया मैन टाइटन, इसका नाम नोकिया मैन टाइटन है। तो इसके साथ हम दूसरा एक चैरेक्टर लेते हैं यहाँ पे, लेते हैं यहाँ पे ट्राई टाइटन। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत भाई, बहुत ज़्यादा। ये ट्राई टाइटन क्या एलियन है, मेरे ख्याल से एलियन है, बट ये रोबोटिक एलियन है भाई, बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। इसके सर पे देखो क्या क्या लगा हुआ है, कैमरा मैन भी, कैमरा भी लगा हुआ है, टीवी भी लगा हुआ है, मतलब ये मल्टी स्पीकर भी लगा हुआ है, मतलब ये हर चीज़ से लैस है भाई। सब सारे इसके भी टॉयलेट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गया है। और इसके साथ एक और हम लेने वाले हैं शैडो वाले, प्रोजेक्टर मैन भाई। प्रोजेक्टर जानते हो ना, जो जिससे स्क्रीन पे वीडियो चलाया जाता है, वो प्रोजेक्टर मैन है। बस साथ में इसके टीवी भी लगी हुई है भाई, ये साथ में टाइटन, तीनों टाइटन है भाई। आप नॉर्मल ले लेते हैं कुछ कैमरा मैन या कुछ और भी मिल जाए जो नॉर्मल हो। एक हमारे पास यहाँ है पैक मैन भाई, पीसी मैन है, पैक मैन नहीं, पीसी मैन लार्ज है भाई, ये पीसी है, मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा है पीसी है। ये पुराना जो पीसी था ना भाई, पी मोनिटर, वही दिख रहा है मुझे तो, उसी का नाम पे शायद इसका नाम रख उठा है। तो एक लेते हैं पीसी मैन जो लैपटॉप मॉडल है, लैपटॉप वाला भी यहाँ पे चैरेक्टर आ गया भाई। देख रहा कितना खूबसूरत लैपटॉप दिख रहा है, बट ये बहुत छोटा नहीं है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। अभी ये छोटा मज़ा नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ये हाँ लेवल में आ गया भाई, ये लैपटॉप मैन भाई, कीबोर्ड लगी हुई, स्क्रीन लगी हुई है, हर चीज़ है। इसका नाम लैपटॉप मैन हो चाहिए, बट इसका नाम इन्होंने रख दिया पीसी मैन। तो पीसी मैन, इसके बाद हम लेते हैं एक इसके भी टॉयलेट स्पाई भाई। स्पाई कैमरा लगा हुआ है इसमें, वो सीसीटीवी कैमरा होता नहीं, वैसा ही स्पाई कैमरा लगा हुआ है। एक छोटा स्पीकर वुमेन लेते हैं यहाँ पे, जो कि टाइटन नहीं है, बट हो सकता है कि ये भी काफ़ी पावरफुल हो। तो और चैरेक्टर यहाँ पे लेते हैं टीवी वुमेन मेचा बॉस भाई। मेचा बॉस काफ़ी खतरनाक नाम के साथ खतरनाक चैरेक्टर भी भाई। ये चैरेक्टर मेरे ख्याल से सम्मोहन वाला शक्ति रखता है, जो सम्मोहित करता है सारे चैरेक्टर को एक जगह पे रोक के, और फिर उसको बस को डिस्ट्रॉय कर देता है। कितने सारे एंटीना लगे हुए हैं इसके ऊपर। यहाँ पे हम कुछ और चैरेक्टर यहाँ पे लेने वाले हैं छोटे छोटे करके। एक स्पीकर स्पाइडर भाई, स्पीकर स्पाइडर तो ज़बरदस्त चैरेक्टर है यहाँ पे। और एक और चैरेक्टर लेते हैं छोटा सा, टीवी वुमेन एविल, बहुत छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इतना छोटा है ये कि ये नज़र नहीं आ रहा था, मैंने इसको थोड़ा बड़ा किया। भाई डांस कर रही भाई, डांस यहाँ पे हो रहा है। अभी काफ़ी ज़्यादा चैरेक्टर हमारे पास हो चुके हैं, अब इनकी फ़ाइट कराते हैं। बड़ा खूबसूरत लग रहा है यार, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ये, इनकी फ़ाइट कराते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है स्टेज पे, इनको मैंने सबको खड़ा कर दिया वन बाय वन करके, और इन एक दूसरे के अपोजिट। अब इनकी फ़ाइट कराएंगे थोड़ा दूर से भाई, क्योंकि ये बहुत लैग करता है ये गेम। और इसको फ़ाइट कराएंगे, देखेंगे कौन यहाँ पर भाई। तगड़ी फ़ाइट हो रही है भाई यहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ़ाइट होने लगी है। और शायद कौन सी टीम विन करेगी भाई, यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे हमें लगता है कि स्पीकर मैन कैमरा मैन वाले टीम जो है ना, यहाँ पे भारी पड़ रही है इसके भी टॉयलेट के ऊपर। मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे भारी पड़ चुकी है भाई, इन्होंने डिफेक्ट नहीं किया अभी तक। एक मल्टीवर्स का चैरेक्टर भाई बचा हुआ है, काफ़ी बमबारी हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे दो चैरेक्टर बचे हुए हैं भाई मल्टीवर्स के, उन्होंने
स्पीकर वुमैन, स्पीकर मैन और टाइटन ट्राइव सब पे धावा बोल दिया बुरी तरह से। दूर सभी गोली मारते हुए लेजर कनेक्ट चल रही है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तगड़ी फाइट हो रही है। देखते हैं कौन सी टीम इनका थी, आप भी कमेंट में करके जरूर बताना और वीडियो को भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेगा भाई मुझे थोड़ा यहाँ पे अच्छा लगेगा और मैं अच्छी सी वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। यहाँ पे फाइट होते तो बहुत दूर सारे चट्टा चले गए हैं, तो शायद हो सकता है यहाँ पे कोई विन करे, कौन विन करे कौन नहीं मालूम नहीं चल रहा। भाई मल्टीवर्स का कैरेक्टर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका, एक ही बचा है उसको, दो स्पीकर मैन ट्राई टाइटन ने घेर रखा है, उसके ऊपर लगातार भाई वार हो रहा है, वार कर रहे हैं जिससे कि वो अकेला पड़ गया है। बट यहाँ पे जीतेगा कौन भाई जल्दी से कमेंट करके बताना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कल मैं जो वीडियो लाऊंगा ना भाई इससे ज़्यादा बेटर होने वाली है। अगर आपको यही गेम देखना होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कल इसके गेम के भी दूसरा पार्ट बना दूँगा और ज़्यादा अपग्रेडेड इसके भी टॉयलेट के साथ। मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग जल्दी से मारने वाले हैं, फाइट तो अच्छी हो रही है बट यहाँ पे मुझे कुछ और कैरेक्टर्स लेके आने पड़ेंगे जिससे कि ये फाइट जल्दी ख़त्म हो। यहाँ पे मैंने एक बमबारी करने वाले स्पीकर मैन लेके आया है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही है तगड़ी वाली, मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ शायद पूरा लुक आना चाहिए। भाई जबरदस्त बमबारी हो रही है यहाँ पे बहुत ही तगड़ी, और एक भाई मल्टीवर्स के एक चैप्टर ने सबको यहाँ पे बुरी तरह से पीट दिया है, सब पे भारी पड़ रहा है, उसकी हेल्थ भी नहीं जा रही है और यहाँ पे वो सब उसे अकेले ही लड़ रहा है। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी मरने वाला अभी फिलहाल है, तो मैं इन्हीं को खुद ही मार देता हूँ। मेरे पास एक बेहतरीन गन है, मैं एक एक करके सबको डिस्ट्रॉय कर दूँगा। भाई ये उड़ने लगा मल्टीवर्स चैप्टर, यहाँ पे तगड़ी लड़ाई हो रही थी बट मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रही है तो मैं चलता हूँ, इनको डिस्ट्रॉय करता हूँ, इनको ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। और भाई कल मिलते हैं एक नए गेम के साथ, तो तब तक के लिए वेट करिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।